हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपने हेडिंग देना है, देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हम आज का टॉपिक करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 100% क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, और इवन कंपटीशन लेवल में भी इससे रिलेटेड जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाता है, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी वो भी आता ही आता है। ओके, तो बच्चों इसको आपने ध्यान से सुनना है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कैसे लिखेंगे। ओके, तो आपने देखो इसमें लिखना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नॉर्मल मैं बोलूं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, मिनरल एसिड जितने भी है हमारे पास, H2SO4, HNO3, HCl है, इनकी बड़ी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है बड़े ज्यादा, ठीक है। इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है। और जो एल्कोहल है हमारे पास, एल्कोहल और फिनोल से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है। ओके, मैंने आपको क्या पॉइंट बोला, देखो कि जो मिनरल एसिड है उनसे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है, और जो एल्कोहल और फिनोल है उनसे क्या है, ज्यादा है। ओके, तो वही आपने यहां पर पॉइंट लिखना है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीकर एसिड देन मिनरल एसिड, ठीक है। मिनरल एसिड कौन से, H2SO4, HCl, HNO3, जो भी है ना मिनरल एसिड, व्हाइल स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल एंड फिनोल। ओके, एल्कोहल और फिनोल में मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो एल्कोहल और फिनोल है, एल्कोहल और फिनोल्स में जो होगी फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ओके, ये हमने पिछले टॉपिक में एल्कोहल फिनोल में पढ़ा हुआ है। बट यहां पे देखो फिनोल से भी ज्यादा या एल्कोहल से ज्यादा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ। मैंने बच्चों आपको एक और चीज बताई हुई थी कि हम जो एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं वो किन किन फैक्टर्स पे बेस पे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फैक्टर है कि जो कंपाउंड, ठीक है, जो एसिड एच पॉजिटिव आयन को जितना इजीली रिलीज कर देगा, जितना इजीली एच पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। ओके, जो एसिड क्या करेगा, देखो जो कंपाउंड्स क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब जो एच पॉजिटिव आयन को जितना इजीली रिलीज कर देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। और जो जितना डिफिकल्टी से या जो रिलीज नहीं करेगा एच पॉजिटिव आयन को उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उसकी कम होती है। ओके, एक तो ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर है Ka और pKa वैल्यू, ठीक है, जो हमारे पास एसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ये दिस Ka और pKa वैल्यू। ओके, जिसकी pKa वैल्यू ज्यादा होगी, ये Ka वैल्यू, सॉरी कौन सी वैल्यू, Ka वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और pKa वैल्यू क्या होगी उसकी, कम होगी। मतलब Ka वैल्यू ग्रेटर द Ka वैल्यू एंड लोअर द pKa वैल्यू, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा कैसे होगी, देखो जो एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करेंगे इजीली, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में से हम कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या करता है, एच पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है, एल्कोहल भी क्या करेगा, एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, फिनोल भी एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल
मैं आपको कंपैरिजन में लाता हूं, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल को। ओके, आपने यहां पे लिखना है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड रिलीजेस एच पॉजिटिव आयन, रिलीजेस एच पॉजिटिव आयन फ्रॉम ओएच ग्रुप एंड फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन। दिस कार्बोक्सिलेट आयन कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय, कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। ओके बच्चों, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा ये स्टेबलाइज होता है किसके थ्रू? रेजोनेटिंग रेजोनेंस के थ्रू। यदि मैं देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे करके लिखूं दिस, ओके, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसी हिसाब से लिखते हैं। देखो यहां पे ये ओ और ये एच, यहां पे दो लॉन्ग पेयर है, यहां पे भी दो लॉन्ग पेयर है इस ऑक्सीजन पे। ओके, ओ एच ग्रुप से जब इसने रिलीज ऑफ एच पॉजिटिव आइन, देखो एक एच पॉजिटिव आइन को रिलीज किया, ये वाला एच पॉजिटिव आइन। ओके बच्चों, देखो ये कैसे रिलीज होगा, ये यहां से यहां को आ जाता है। ओके, क्या होगा, देखो ये एच पॉजिटिव आइन जो है, मतलब ये बॉन्ड जो है, जब ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, ये क्या करेगा अपनी ओर को अट्रैक्ट कर देता है इसको, और ये यहां से यहां को लॉन्ग पेयर बॉन्ड पेयर लॉन्ग पेयर में, और एच पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज हो जाता है, और यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, दिस लॉन्ग पेयर और ये तीन लॉन्ग पेयर आ जाएंगे विद नेगेटिव चार्ज। ओके, यहां पे एच पॉजिटिव आयन जो है ये रिलीज हो जाता है। ओके बच्चों, दिस इज कॉल्ड, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या जाता है कार्बोक्सिलेटाइन, कार्बोक्सिलेटाइन है ना, कार्बोक्सिलेट आइन दिस। और ये कार्बोक्सिलेट आइन जो होगा ये दिस कार्बोक्सिलेट आइन आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होगा, ये स्टेबलाइज होगा। देखो तो आपने यहां पे लिखना है, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, अब देखो कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगी वो कैसे होगी, ये हमारे पास देखो दो लॉन्ग पेयर होंगे, ये क्या जाएंगे तीन लॉन्ग पेयर है, एक तो ये है नेगेटिव, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, देखो इसकी ये लॉन्ग पेयर यहां से यहां को आ गया, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, अब ये लॉन्ग पेयर यहां से यहां को चला गया। ओके, तो इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देखो जो नेगेटिव चार्ज है उसकी डिस्पर्शल ऑफ नेगेटिव चार्ज होती है, अब ये आर आ जाएगा दिस सिंगल बॉन्ड में ओ आर, ये दिस है ना, ये अब नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। ओके, यहां पे दो लॉन्ग पेयर रहे और यहां पे कितने लॉन्ग पेयर आ गए, तीन लॉन्ग पेयर आ गए इस पॉइंट पे। दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड देखो ये एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करके मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन जो है इसकी फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, तो करके ये एच पॉजिटिव आयन को क्या कर देगा, इजीली रिलीज कर देता है। ओके, व्हाइल एल्कोहल जो है, मैं यहां पे बता रहा हूं, देखो एल्कोहल क्या होगा, देखो आर ओ एच, दिस इज द एल्कोहल, ये क्या करेगा एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा और एल्को ऑक्साइड आयन जो है इसकी फॉर्मेशन कर देता है नेगेटिव चार्ज में, और प्लस एच पॉजिटिव आयन, दिस इज द एल्को ऑक्साइड आयन, एल्को ऑक्साइड आयन। ओके, और ये एल्को ऑक्साइड आयन जो है दिस इज नॉट स्टेबलाइज्ड वाई रेजोनेंस। ओके, ये क्या है अनस्टेबल है, दिस इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाई रेजोनेंस, तो
तो अभी ये स्टेबल ही नहीं है, ये अनस्टेबल है, मतलब लॉन्ग पेयर भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, ऊपर से रेजोनेंस नहीं हो रही है, डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज नहीं हो रहा है, तो दिस एनकोक्साइड आयन क्या होगा मेरे पास, अनस्टेबल नेचर का होता है। ये स्टेबल आ जाएगा, देखो यहां पे लिख दो आप, ये क्या है स्टेबल नेचर में होगा, और ये क्या होगा मेरे पास अनस्टेबल होता है। ओके, तो करके एल्कोहल जो है वो इजीली एच पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करके क्या बना रहा है ये अनस्टेबल बेस जो है, इसकी फॉर्मेशन कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो अनस्टेबल बन रहा है, ठीक है। और यहां पे क्या बन रहा है देखो, स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेटेड बेस बन रहा है, तो करके कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या होगा एल्कोहल से क्या होगा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, इतना याद रखना है, ठीक है। और रही बात देखो, अब आप बोलेंगे कि फिनोल है, फिनोल भी एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, और फिनोल जो है देखो एल्कोहल को छोड़ो पर अभी, ठीक है, फिनोल है, फिनोल क्या करेगा देखो, फिनोल ये ऐसे करके देखो ओ एच, ओके दो लॉन्ग पेयर है इसके ऊपर भी, फिनोल फिनोल भी क्या करेगा एच पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है ऐसे, ठीक है, क्या कर देता है देखो एच पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है, ये यहां से यहां को चला जाएगा, और यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन, ओके नेगेटिव चार्ज और ये एच पॉजिटिव आयन, ओके। तो ये अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, दिस इज द फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन, ओके इसने भी एच पॉजिटिव आयन को रिलीज कर दिया, और आपने देखो फिनोक्साइड आयन जो है इन केस ऑफ फिनोल, ये आपने पढ़ा हुआ है कि इन केस ऑफ फिनोल फिनोक्साइड आयन जो है वो क्या है स्टेबल है ना, फिनोक्साइड आयन क्या है ये भी स्टेबल आयन है, ये भी स्टेबल है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, क्योंकि यहां पे भी रेजोनेंस होती है इसमें, फिनोक्साइड आयन की आपने रेजोनेंस पढ़ी हुई है पीछे, ठीक है, फिनोक्साइड आयन इज ऑल्सो स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। अब हमने देखना क्या है देखो कि फिनोक्साइड आयन भी स्टेबल है, कार्बोक्सिलेट आयन भी स्टेबल है, क्यों ना हम इन दोनों में कंपटीशन लगवा दे देखो कि कार्बोक्सिलेट आयन और फिनोक्साइड आयन में कौन स्टेबल है, अब कार्बोक्सिलेट आयन और फिनोक्साइड आयन में जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा इजीली जो है वो इजीली रिलीज करेगा एच पॉजिटिव आयन को, तो यहां पे क्या आ जाता है देखो, ये कार्बोक्सिलेट आयन है और ये क्या आ जाता है फिनोक्साइड आयन, ओके। अब यहां पे होता क्या है देखो, एक नेगेटिव चार्ज इस पे भी है और नेगेटिव चार्ज कार्बोक्सिलेट आयन में भी है, ओके ध्यान से सुनना है देखो, कार्बोक्सिलेट आयन में भी नेगेटिव चार्ज है और इसमें भी नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, तो अब देखो इसमें भी वन नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी वन नेगेटिव चार्ज है, यहां पे क्या है हमारे पास देर इज ए टू इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑक्सीजन एटम, क्या आते हैं टू इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, देर इज ओनली वन इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑक्सीजन एटम, तो अब क्या होगा देखो कि इसमें रेजोनेंस में देखो एक बार नेगेटिव चार्ज यहां पे आया, दूसरी बार कहां पे आया दूसरे ऑक्सीजन एटम पे आ गया, देर इज ए डिस्पर्शल और स्कैटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज, मतलब डिस्पर्शल ऑफ, मतलब यहां पे देखो यदि मैं सिंपल सा बोलूं देखो कि 1 क्विंटल की बोरी यदि एक आदमी उठाए, 1 क्विंटल की बोरी एक आदमी उठाएगा तो वो थोड़ा अनस्टेबल ही रहेगा, है ना, यदि 1 क्विंटल की बोरी 50 50 50 किलो करके देखो दो आदमी उठाएंगे तो वो क्या होंगे थोड़े से स्टेबल होंगे, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, तो सेम सिस्टम यहां पे होता है देखो, एक नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन एटम पे रहेगा तो ये अनस्टेबल रहेगा, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज है देखो दो ऑक्सीजन एटम, दो इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ रहा है, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन जो होगा वो क्या आता है देखो फिनोक्साइड आयन से मोर स्टेबल आता है, ओके। तो करके कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा एच पॉजिटिव आयन को इजिली रिलीज करता है एज कंपेयर टू फिनोल, एंड दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ द फिनोल, ओके बच्चों। तो आपने यहां पे देखो यदि आपको कंपैरिजन में आ गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल में से वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ द फिनोल, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है,
आपने ये लिखना है, देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी, फिनोल है फिनोक्साइड आइन, सिंपल लिखा, सिंपल यहां पे लिख देना है कि फिनोक्साइड आइन इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बट देर इज नेगेटिव चार्ज ओनली ऑन वन ऑक्सीजन एटम एंड देर इज अ डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन टू ऑक्सीजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस इन केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आइन. ओके, देयरफॉर कार्बोक्सिलेट आइन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द फिनोक्साइड आइन, हेंस कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिलीजेस एच पॉजिटिव आइन इजीली एज कंपेयर टू फिनोल. ओके बच्चों, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, लिखने की भी जरूरत नहीं है. ओके, ये आप लिख लेंगे, जैसे भी होगा इसको कर देना है आपने, ये मैंने आपको बता दिया. अब देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल और एल्कोहल में, तीनों में से कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर फिनोल होगा, फिर क्या होगा एल्कोहल होगा, ये है एसिडिक स्ट्रेंथ. ओके, और कार्बोक्सिलिक एसिड की देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, यदि हमने इनको मेटल के साथ ट्रीट कर दिया, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कली के साथ ट्रीट कर देते हैं, देखो इसको तो ये एच पॉजिटिव आइन को सॉल्ट और जो एच पॉजिटिव आइन है उसको रिलीज कर देता है, मतलब देखो यदि हम इसके जर्नल से रिएक्शन करते हैं ना, ठीक है, देखो रिएक्शन विद मेटल यदि हम करते हैं, देखो रिएक्शन विद मेटल एंड मेटल हाइड्रोक्साइड. ओके, मेटल हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ भी हम करेंगे, आगे करते हैं उनको, अभी मैं आपको ओनली एसिडिक स्ट्रेंथ ही बता रहा हूं, ठीक है. COOH और प्लस क्या आ जाता है, देखो Na सोडियम के साथ ट्रीट कर देते हैं, तो यहां से क्या बन जाता है RCOONa, और ये H पॉजिटिव आयन जो ये रिलीज हो जाता है, इसको हम H2 ऐसे करके लिख देते हैं. ओके, इसको भी 2Na कर दो, 2 और ये 2 और ये H2 जो है निकल जाता है. ओके, मतलब H पॉजिटिव आयन H2 को क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है. वैसे ही RCOOH और यदि हम NaOH के साथ इसको ट्रीट कर देते हैं, देखो तो यहां पे क्या होता है, मैं इसको यदि ऐसे करके लिखो, देखो कैसे होता है H पॉजिटिव आयन रिलीज, ये डबल बॉन्ड O और ये H. ओके, ये बॉन्ड यहां से यहां को आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, ए एच पॉजिटिव आ गया, ये क्या आ गया नेगेटिव, Na पॉजिटिव है, OH क्या है हमारे पास नेगेटिव में है, Na जो है वो किसके साथ लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ. ओके, OH और ये H H2O करके निकल जाएगा, देखो तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये ONa ये बन जाएगा और प्लस H2O मॉलिक्यूल ये निकल जाता है. दिस इज द सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट. दिस रिएक्शन शोज द एसिडिक नेचर ऑफ किसके, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, अब देखो आगे हमारे पास इसकी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स यदि हम कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच हो रहे हैं तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो उस पे क्या फर्क पड़ता है. ओके, तो नेक्स्ट बच्चों इसमें देखो हमारे पास आपने हेडिंग देना है, देखो फर्स्ट लिखना है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से, देखो सच एज कौन कौन से है, देखो ये CH3 ग्रुप आ जाता है, C2H5 एंड सो ऑन, देखो हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप आ जाता है, ये OH ग्रुप आ जाएगा, NH2, दिस दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एटसेट्रा, OCH3 है ना, मिथॉक्सी भी ले लेते हैं हम, देखो OCH3 ये ग्रुप होते हैं एटसेट्रा, अटैच्ड विद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स सच एज दिस, है ना, ऐसे करके लिखना है, देखो इसको ऐसे मत लिखो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिखो, है ना, इसको हेडिंग में लिखना है आपने, व्हेन
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज, ऐसे करके लिखो इसे ना, सच एज CH3 C2H5, ओके, एल्काइल ग्रुप जो होगा OH OCH3 NH2 एटसेट्रा अटैच्ड विद, एटसेट्रा अटैच्ड विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप देन इट्स, देन इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ, देन इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ, देन सिंपल लिखो है ना, देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिक्रीज्ड, याद रखना है ये पॉइंट, देखो डिक्रीज्ड अंडरलाइन करना है डिक्रीज्ड को, मतलब जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है ड्यू टू पॉजिटिव आई इफेक्ट, ओके, पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से होता है ये। अब आपने देखो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर मतलब क्या है, देखो यहां पे मैं सी एच थ्री जो कर देता हूं, ठीक है, ये सी एच थ्री ग्रुप लग गया, ओ आर ये एच, ओके बच्चो, दिस सी एच थ्री ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके, ये क्या है देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ओके, सी एच थ्री ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ध्यान से समझना है, देखो CH3 क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा आगे को, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ऐसे करके, दिस लॉन्गेस्ट चेन में ऐसे करके जाएगा ये, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ओके, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन, इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है हमारे पास, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ नेगेटिव में, ऐसे नेगेटिव में, ओके, ये यदि मैं यहां पे सी एच थ्री ग्रुप लगा दूं, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके, ये क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी और बढ़ा देगा, इसके पास ऑलरेडी ही इलेक्ट्रॉन बड़े ज्यादा है इस ऑक्सीजन के पास, ओके, और नेगेटिव चार्ज भी है और इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो ये क्या हो रहा है, देखो मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये और ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है, क्या हो रहा है, स्टेबल होने की बजाय क्या हो रहा है, ये अनस्टेबल हो रहा है, ओके, तो अनस्टेबल हो रहा है ये कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, तो करके ये एच पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं करेगा, ठीक है, यहां पे आपने सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है, देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, ऑक्सीजन के पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑलरेडी शेयरिंग है एक एक इलेक्ट्रॉन, अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हो गए, आपने ये इस टेक्निक से ही समझना है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बड़े ज्यादा हो गए, है ना, अब ऑक्सीजन है भी क्या, पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या ले सकता है, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, बट होगा क्या, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि ये कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम OH बॉन्ड, ठीक है, मतलब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कि ये कोई ये इंटरेस्ट नहीं लेगा कि मैं यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करूं, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं करेगा, एच पॉजिटिव आयन इजीली रिलीज नहीं होगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, ओके, तो आपने यहां पे लिखना है, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पैराग्राफ सा बनाना है इसमें, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, है ना, आपने इसके साथ ही लिखना है, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, देखो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ और ये एच है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ओके, अब यहां पे आपने एरो देके लिखना है, देखो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
पैराग्राफ लिखना है, एक देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ OH1, OH ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप गेट इंक्रीज्ड, गेट इंक्रीज्ड ड्यू टू पॉजिटिव आई इफेक्ट ऑफ, पॉजिटिव आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये CH3 ग्रुप। सो ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन कैन नॉट टेक एनी इंटरेस्ट, डज नॉट टेक, है ना, डज नॉट, यहां पे डज नॉट करो, डज नॉट टेक एनी इंटरेस्ट टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन पेयर, टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम OH1 एंड H पॉजिटिव आयन एंड रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन बिकम्स डिफिकल्ट, बिकम्स डिफिकल्ट। ओके, देयरफॉर, देयरफॉर एसिडिक स्ट्रेंथ गेट डिक्रीज्ड, गेट डिक्रीज्ड। ओके बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहां पे लगेंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट। ओके, क्या आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाते हैं तो ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से आप सिंपल देखो, एक लाइन में लिखना हो तो ऐसे करके लिख सकते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। इंटेंसिफाई मतलब और ज्यादा पावरफुल बना देना है किसके, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। तो करके H पॉजिटिव आयन क्या होगा, देखो यहां से इजीली, और ये कार्बोक्सिलेट आयन अनस्टेबल हो जाता है H पॉजिटिव आयन जो है, बट ये इजी लैंग्वेज में लिखवाया मैंने आपको, इस वे में लिख सकते हैं आप, है ना। यहां से आपको देखो क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है, जो आपने लिखना है, देखो यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा क्वेश्चन आएगा, व्हाई, व्हाई फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ओके, और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के ही आते आते हैं। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट ये है ना आ जाता है ना, तो आप इजीली लिख सकते हैं। अब देखो फॉर्मिक एसिड मैं आपको समझाऊंगा, आपने क्या लिखना है, देखो इसका आंसर कैसे लिखना है, यहां पे लिखना है देखो बोथ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड रिलीजेस एच पॉजिटिव आयन, ना, क्या करेंगे, देखो दोनों ही क्या करते हैं, एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं, दोनों ही एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करते हैं। व्हाट, देखो फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ द एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में क्या होगा, देखो ये मैं आपको देखो ये बता दूं कि ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड है और दिस इज सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दिस है ना। अब यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है और यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो अटैच नहीं है। ओके, तो आपने क्या करना है बच्चों, देखो ये जो मैंने पैराग्राफ लिखवाया ना यहां से यहां तक, है ना, आपने क्या करना है, देखो ये दोनों लिख के इन केस ऑफ, ऐसे करके लिखना है, देखो इन केस ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इन केस ऑफ एसिटिक एसिड
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है ना ये वाला, यहां से देखो ये पैराग्राफ यहां से यहां तक पूरे का पूरा इसके आगे लिख देता है, यही है ना हमारे पास। देखो इन केस ऑफ एस्टिक एसिड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम ऑफ ओएच ग्रुप, ठीक है, गेट इंक्रीज्ड ड्यू टू पॉजिटिव आई इफेक्ट ऑफ सीएच थ्री ग्रुप, है ना। पूरा पैराग्राफ ये यहां से यहां तक, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ यहां पे जाके लिख देना अपने आंसर में, बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये इंक्रीज ड्यू टू पॉजिटिव आई इफेक्ट ऑफ सीएच थ्री ग्रुप, सो ऑक्सीजन एटम डज नॉट टेक एनी इंटरेस्ट टू विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम ओएच बॉन्ड एंड रिलीज ऑफ एच पॉजिटिव आयन बिकम्स डिफिकल्ट, देयरफॉर एसिडिक स्ट्रेंथ गेट डिक्रीज्ड। आपने देखो इतना पैराग्राफ जब लिख देना है यहां से यहां तक, उसके बाद आपने क्या करना है, देखो माना ये जो भी है आपने ये यहां से यहां तक ये पैराग्राफ लिख दिया, इसके बाद आपने क्या लिखना है, देखो वाइल इन केस ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड नो सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर अटैच्ड, नो सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर अटैच्ड, ओके, इन केस ऑफ फॉर्मिक एसिड नो सच टाइप ऑफ, नो सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप आर अटैच्ड, ओके, देयरफॉर आगे लिखे ना, देयरफॉर फॉर्मिक एसिड releases H positive ion easily, मैं लिखवा रहा हूं देखो, therefore formic acid releases H positive ion easily as compared to acetic acid, यह इसका आपने आंसर लिख लेना है, ओके बच्चों। तो आपने ये करनी है, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का किया आपने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आपने क्या करना है, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में आता है देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे अटैच होते हैं, ओके, हम कर रहे हैं देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड पॉइंट में लिखना है देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group, ये पक्का करना है आपने देखो, when when electron withdrawing group withdrawing group such as fluorine, chlorine, bromine, iodine, ठीक है, NO2, ठीक है, NO2 आ जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, CHO ग्रुप ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एटसेट्रा अटैच्ड विद, एटसेट्रा अटैच्ड विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ, देन इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ गेट इंक्रीज्ड, ओके, अब ये अपोजिट हो गया, गेट इंक्रीज्ड ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओके। अब देखो यदि मैं Cl, देखो Cl CH2 C डबल बॉन्ड O और ये OH क्लोरोएस्टिक एसिड है,
ठीक है, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, देखो Cl CH2 COOH ऐसे करके लिख सकते हैं, दिस इज क्लोरोएस्टिक एसिड। ठीक है, अब देखो ये जो क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ध्यान से सुनना है बच्चों, क्लोरो ग्रुप क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करता है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा Cl, ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। या आपने पेपर में भी ऐसे ही शो करना है, देखो Cl क्या करेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और ये इफेक्ट देखो ये यहां पर चलता है इस ऑक्सीजन एटम पर, ओके। अब ये इस ऑक्सीजन एटम तक जब ये आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है ऐसे करके, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, अब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप, ऑफ ओ एच ग्रुप गेट डिक्रीज ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ, माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन ग्रुप, ओके। मैं यही लिख रहा हूं, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे कम हो गई, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है माइनस आई इफेक्ट ऑफ Cl ग्रुप की वजह से, ठीक है। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में शेयरिंग लगी हुई है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, ये क्या करेगा, देखो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑलरेडी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो पेयरिंग की हुई है इसने इलेक्ट्रॉन पेयर, उनको ही क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा और एच पॉजिटिव आयन क्या कर जाएगा, रिलीज कर जाएगा, है ना। मतलब देखो दो दो शेयर होल्डर है, ठीक है, उनमें से एक शेयर होल्डर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एक क्या है, वीक है, ठीक है। उनकी साझेदारी जो है वो टूटेगी कब, जब या तो देखो जो स्ट्रॉन्ग, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर है वो बड़ा ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो टेंशन नहीं लेगा इसकी, कि इसके साथ भी मेरी साझेदारी चलती रहे, ठीक है। अब यदि ये स्ट्रॉन्ग होल्डर जो है ये क्या हो गया, देखो थोड़ा कम हो गया, वीक हो गया, इसकी कहीं पैसे जो है इसके कहीं और जगह भी लग रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसके जो वीक शेयर होल्डर है उसके साथ जो शेयरिंग में पैसे लगाए हैं इसने, उस उनको भी क्या कर लेगा, अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा और उसके साथ से साझेदारी तोड़ देगा ये, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सेम सिस्टम यहां पे आता है, देखो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को ही विड्रॉ कर लेगा और एच पॉजिटिव आयन जो है वो जल्दी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, सो ऑक्सीजन एटम, सो ऑक्सीजन एटम विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन पेयर, विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम ओ एच वन एंड एच पॉजिटिव आइन रिलीजेस इजिली, एच पॉजिटिव आइन रिलीजेस इजिली, ओके, एच पॉजिटिव आइन रिलीजेस इजिली, देयरफॉर therefore एसिडिक स्ट्रेंथ गेट क्या करेगी, गेट इंक्रीज, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। मैं यदि सिंपल मैनर में आपको बताऊं, देखो तो यहां पे यदि हमारे पास Cl CH2, ये C डबल बॉन्ड O और ये O, देखो ये नेगेटिव चार्ज के साथ है, जब इसने एच पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा ये, ओके।
अब ये देखो कैसे स्टेबलाइज हो रहा है, ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है, ये देयर इज ए डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहां पे क्या हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है नेगेटिव चार्ज का। ये तो मैंने इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया ना, मतलब देखो ये यहां पे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है ऑक्सीजन पे, अब नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड को आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कम होने की वजह से ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है हमारे पास, ये क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। ठीक है, मतलब देखो सिंपल सी बात है कि यदि मैंने यदि 50 किलो देखो बोझा उठाया हुआ है, ठीक है, गेहूं जो वो मैंने कितनी 50 किलो उठाई हुई है, ठीक है, पीछे से क्या हुआ देखो कि एक कोई छोटा सा छेद पड़ गया, ठीक है, बोरी बोरी फट गई, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में मेरे को बोझा ज्यादा लगेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो छेद से गेहूं निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, मैं क्या होता जाऊंगा, स्टेबल होता जाऊंगा, है ना। तो सेम सिस्टम यहां पे भी होता है, देखो कि यहां पे नेगेटिव चार्ज है, धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन देखो इस साइड को ये विड्रॉ होते जाएंगे, विड्रॉ होते जाएंगे, तो विड्रॉ होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होते जाएंगे और नेगेटिव चार्ज भी क्या होता जाएगा, डिस्पर्शन मतलब कम होता जाएगा, ये डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, और ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो और ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे। ओके, तो ये आ जाता है हमारे पास, देखो इसमें कार्बोक्सिलेट आयन में आप करेंगे इसको, ठीक है, और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें भी और ज्यादा बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस है इसके आगे, बहुत ज्यादा जो कंपटीशन लेवल यहां से स्टार्ट होता है आगे, ठीक है, उसको बच्चों हम इसी के साथ देखो अगले लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। तो आपने अगला लेक्चर जो है वो पक्का देखना है इसका, वो कंटिन्यू रहेगा, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये तो मैंने अभी एक ही बताया ना, बहुत सारे आगे बोर्ड एग्जाम के लिए कंपटीशन लेवल के लिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।